जितने यहाँ खड़े हो, आज आप जीत गए। जिसने वोट दिया उसका भी धन्यवाद, जिसने नहीं दिया उसका भी धन्यवाद। अब हम जीत गए, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। आप सब लोग मेरे सिपहसालार हो, आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आपको देख करके लोगों के आंखों के अंदर ठंडक आए, आपको देख करके लोग ये कहें कि हाँ भाई परिवर्तन आया है। मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ, 24 घंटे हमारे साथी उपलब्ध हैं। किसी साथी की कोई समस्या कोई परेशानी है, किसी भी वक्त आप फोन करोगे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन गांव में बैठा हुआ मेरा जो साथी है, गांव में आप बैठे हो प्रधान जी, तो मेरी आंख नाक कान आप हो, आप गांव में देख करके आपका काम ऐसा होना चाहिए कि गांव वाले ये कहें कि हाँ प्रधान ने अपने एमपी के माध्यम से हमारा बढ़िया काम कराया। मेरे सारे के सारे आप सिपहसालार हो, मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और एक ही उम्मीद करता हूँ कि समाज के अंदर भाईचारा, समाज के अंदर मोहब्बत, समाज के अंदर समरसता की जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा, जो देश के अंदर शोषितों को और वंचितों का अधिकार का उस मिशन मूवमेंट को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और हम लोग उस मिशन मूवमेंट पे काम करेंगे कि दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, इन सबके अधिकार की बात करें, इन सबके अधिकार की रक्षा की बात करें और हम लोग मिलकर के सब लोग काम करने का काम करें। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, विनती और निवेदन है कि कोई काम ऐसा ना हो जिस काम से समाज के अंदर कोई गलत संदेश जाए। और खास तौर से मैं अपने मुसलमान बच्चों से कहना चाहता हूँ, नौजवान बच्चों से, ये मोटरसाइकिलों के पटाखे अल्लाह के वास्ते बजाना बंद कर दो, खुदा के लिए हाथ जोड़ के इन्हें पटाखों को बजाना बंद कर दो। अल्लाह ताला ने जीत दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो, ईश्वर का शुक्र अदा करो और राम जी की कृपा बरसी है उस राम जी का शुक्र अदा करो कि राम जी ने तुम्हारे पे कृपा बरसाई है। कोई काम ऐसा मत करो जिस काम से लोगों के अंदर नाराजगी हो। कल एक साहब मुझे बताया कि मोटरसाइकिल का कट मार के निकल गए, कल लगा इमरान मसूद एमपी बन गया। अरे मैं एमपी बना हूँ लोगों की खिदमत करने के लिए, तुम्हारे कट मारने के लिए नहीं। इस बात को ध्यान में रखना बिल्कुल, और इस बात को सब लोग ध्यान में रखिए कि कोई नफरत की बात मत करें। नफरत से ये चल नहीं सकता, ना समाज चल सकता, ना देश चल सकता, ना शहर चल सकता। हम लोग मोहब्बत से चलेंगे, झुक करके चलेंगे। अगर कोई आदमी नाराज हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, उसकी एक छोटी में अगर एक बार हाथ दे दोगे तो उसका दिल बम बन करके सामने आ जाएगा। एक कदम आगे बढ़ा करके तो देखो, इस बार हमने पहल करी, आज नतीजा देखो कि आज सारे समाज के लोग, वाल्मीकि समाज का कितना बड़ा मिलने के लिए लोग आए, कश्यप समाज के किस तरह से आए, गुजर किस तरह से आए और सब समाज के लोगों ने वोट दिया। ये जीत सारे समाज की है। जब राजपूतों ने नारा लगाया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, नतीजा आपके सामने है कि सारी की सारी कृपा आपके पास आ गई। ये आपके हम्बल होने से, आपके विनर होने से, आपके झुकने से हुआ है। अकड़ने से कुछ नहीं होता, अकड़ने वाला हमेशा टूट जाता है। मेरी सबसे विनती है कि किसी को चिढ़ाने की कोशिश मत करें। आप जीत गए हो, अपनी जीत को एंजॉय करें, अपनी जीत को खुशी करें। जीत का मतलब ये समझे कि आपको ईश्वर ने, अल्लाह ने मौका दिया है कि लोगों की खिदमत कर सको, लोगों के दिल जीत सको। इसके लिए हमें इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं। मैं सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद साथियों।